हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बताएंगे सुनई के फूल के चोखा कैसे बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो बहुत ही चटपटा और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है और इनमें क्या क्या सामग्री लगती है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन हो आपके मोबाइल पे जा सके और आप हमारे प्यारे वीडियो को देख सके। चलते हैं अपने प्यारे से किचन में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे सनई के फूल का चोखा कैसे बनाया जाता है, और आज हम आपको बनाकर दिखाएंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने कितने प्यारे प्यारे बिल्कुल ही फ्रेश फ्रेश सनई के फूल हमने मंगाए हैं। इसका चोखा जो है बहुत ही बेहतरीन होता है, यकीन मानिए आप। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे बनाने के लिए हमने लिया है लहसुन, लाल मिर्च, अजवाइन, यहाँ पे तेल, नमक, हल्दी। तो दोस्तों, इतनी ही कम सामग्री से आज हम आपको बहुत ही टेस्टी चोखा बनाकर दिखाने वाले हैं, जिसे एक बार खाने के बाद आपको बार बार इसे बनाने की इच्छा होगी। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने लिया है एक बर्तन और इसमें पानी रख लिया है। अब हम सनई के फूल को अच्छे तरीके से धो लेंगे, ताकि जो भी इसमें मिट्टी उट्टी हो वो साफ हो जाए और हमारा चोखा जो है दांतों के पास घिस घिस ना करे। इसलिए हम इसे अच्छे तरीके से हम इसे धो लेंगे। कढ़ाई जो है गर्म हो चुका है, अब हम इसमें तेल ऐड करेंगे और तेल को हम गर्म कर लेंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन। दोस्तों, हम अजवाइन को अच्छे तरीके से भून लेंगे। दोस्तों, अजवाइन जो है तेल में थोड़ा भूनने में देर लगता है चुका है। अब हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे और लहसुन को भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। लाल मिर्च डालेंगे और हम फोरन को अच्छे तरीके से तड़का देंगे। जैसे जल चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे सनई के फूल और इसे हम अच्छे तरीके से चला लेंगे, ताकि हमारा फूल जो है तेल और मसाले में बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और इसे हम चारों तरफ से अच्छे तरीके से चलाएंगे, ताकि हमारा फूल जो है नीचे की तरफ लगे नहीं। अब हम इसे ढक के 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारा सनई का फूल जो है अच्छे से गल जाए। दोस्तों, हम इसे बीच बीच में अच्छे तरीके से चलाते रहेंगे। सनई का जो फूल था वो कितना अच्छे तरीके से गल चुका है। अभी हम इसे अच्छे तरीके से तेल में भूनेंगे, जब तक इसका पानी पूरा जल न जाए तब तक हम इसे भूनते रहेंगे। दोस्तों, इस तरीके से सनई के फूल का चोखा बनाएंगे तो यकीन मानिए आपको इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए, हम अभी भून रहे हैं सनई के फूल को। अगर आप इसे अच्छे तरीके से नहीं भूनेंगे तो यकीन मानिए आपका चोखा जो है अच्छा बनकर तैयार नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन हो आपके मोबाइल पे जा सके और आप हमारे प्यारे वीडियो को देख सकें। भूनने से हमारे चोखा का हिराइन जो है वो मिट जाता है और चोखा स्वादिष्ट बनके तैयार होता है। दोस्तों, सनई के फूल को हमें भूनने में थोड़ा देर लगता है, तभी तो जाकर हमारा चोखा जो है स्वादिष्ट बनता है। दोस्तों, आप घबराए नहीं, इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से भूने, ताकि आपका चोखा बहुत ही बेहतरीन बने और आप इसे बार बार बनाने की कोशिश करें। अगर आपका चोखा अच्छा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बिल्कुल हम जैसे ही बना रहे हैं आप इसी तरह से चोखा बनाइएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा सनई का फूल जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से भुना चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे।
हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसे ग्राइंडर जार में डालेंगे सनई के फूल को, और इसे हम अच्छे तरीके से पीस लेंगे। इसे पीसने के लिए हम डालेंगे इसमें हल्का सा पानी, ताकि हमारा सनई का फूल जो है अच्छे तरीके से मिक्सी में पीस जाए बिल्कुल बारीक, और इसके कैप को लगा दे। कितने अच्छे तरीके से पीस लिया है। इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, आप अपने अनुसार से इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे नमक को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमारा चोखा जो है कितना लाजवाब बनके तैयार हुआ है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक अंजलि को दीजिए इजाजत।